जनपद रुद्रप्रयाग में बीती रात को हुई भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। बताते चले कि आज सुबह हुई भारी बारिश और नदी के तेज बहाव के चलते सोनप्रयाग स्थित शटल सेवा पार्किंग के समीप सड़क का एक हिस्सा बह गया था, जिससे मार्ग अवरुद्ध होने से आवाजाही भी बंद हो गई थी। जिला प्रशासन की सभी टीमों द्वारा तेजी दिखाते हुए जेसीबी मशीनों से पहाड़ी को काटते हुए बाधित मार्ग को कड़ी मेहनत से छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया और करीब 2500 श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वही यात्रा सुचारू करने के लिए पहाड़ की कटिंग कर छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता तैयार कर लिया गया है। आज प्रातः यह सूचना मिली कि सोनप्रयाग शक्कर ब्रिज के पास लैंडस्लाइड होने से नदी के कटाव से रास्ता बंद हो गया है, गाड़ियों के आवागमन का रास्ता बंद हो गया है और यात्री फंस गए। इसी के साथ जो है शक्कर ब्रिज के दाईं तरफ जो है ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, वहाँ से भी रास्ता बंद हो गया। इस सूचना पर जो है हमारे जिला प्रशासन के एडीएम साहब, हमारे एनएच के एक्सीएन निर्भय जी और हम तत्काल जो है मौके पर पहुंचे और सिंचाई विभाग के एक्सीएन हम लोग जो है मौके पर पहुंचे, यहां पर जो है विद्युत के जेई को बुलवाया और वहां से तत्काल जो है पोल हटवाया, लाइट कटवाई और इसके पश्चात जो है यहाँ पर जो है जेसीबी मंगवा करके जो है दीवार की तरफ जो है हल्का सा पहाड़ की छटाई करवाई और दाईं तरफ जो है वायर क्रेट का काम जो है शुरू करवाया और उधर जहां पत्थर आ रहे थे वहां पर जेसीबी लगवा के पूरा रास्ता साफ करवाया और वहां पर जो है किनारे किनारे जो है थोड़ा पत्थर ना आए इसके लिए सेफ्टी का वर्क भी करा और इस समय जो है जो यात्री फंसे हुए थे करीब 2500 के आसपास के उनको जो है निकाल दिया और ऊपर से आने वाले यात्री और नीचे से जाने वाले यात्री आवागमन सुचारू हो गया है। छोटी गाड़ियों के लिए भी आवागमन का खोल दिया गया है और जो है बड़ी गाड़ियों के लिए जो है वायर क्रेट लगा करके कार्य किया जा रहा है। तो ये बड़ी तेजी से कार्य हुआ और अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यात्री सुचारू रूप से आ जा रहे हैं। मैं अभी केदारनाथ यात्रा रूट पर खड़ा हूँ। कल रात की बारिश से जगह जगह जो मलबा आया था, स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगातार जहाँ जहाँ मलबा आया उसको हटाया जा रहा है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। कहीं भी यात्रा में कोई बाधा नहीं है, लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। जहाँ जहाँ भी बाधा उत्पन्न हो रही है स्थानीय प्रशासन और NH के द्वारा रोड को साफ किया जा रहा है और यात्रा में कहीं भी बाधा नहीं है।